जय श्री गुरुदेव मित्रों, मैं आनंद दुर्गेश आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं। और आज के स्टूडियो में हम वोकल और हारमोनियम के फोर्थ लेसन को देखने वाले हैं। इससे पहले तीन लेसन आप लोगों को बता चुका हूं, जिसमें मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन, संगीत साधना, स्वर साधना और कुछ अलंकार और थाट के बारे में भी आपको बताया था। आज के स्टूडियो में हम उससे आगे वाले पार्ट को देखेंगे। यदि आप पहली बार ये आज का लेसन देख रहे हैं तो इससे पहले आपको तीन लेसन देखना आवश्यक है, तभी आप इसको समझ पाएंगे और अच्छे से विधिवत रूप से संगीत को सीख पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी छोटी से छोटी चीज़ और जो भी स्टेप बाय स्टेप हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे, सभी को अपने संगीत साधना का हिस्सा बना रहे होंगे और रेगुलर साधना कर रहे होंगे। इस श्रृंखला की शुरुआत मैंने इसीलिए की है कि जो लोग पैसे देकर संगीत नहीं सीख सकते हैं या जो ऑनलाइन क्लास या फिजिकल क्लासेस नहीं कर सकते, ये स्पेशली ये जो श्रृंखला है उन लोगों के लिए है, वो घर बैठे निःशुल्क संगीत सीख सकते हैं। तो आइए आज लेसन फोर की शुरुआत करते हैं। लेसन थ्री में मैंने आप लोगों को थाट के बारे में बताया था, 10 थाट के बारे में और 10 थाटों में कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं वो भी आपको बताया था। उसमें सबसे जो पहला थाट है, थाट बिलावल, जिसमें सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है, तो पहले हम शुद्ध स्वरों पर प्रैक्टिस करेंगे, शुद्ध स्वरों को पक्का करेंगे, क्योंकि जब तक ये स्वर शुद्ध रूप से हमारे कंठ में नहीं बैठेंगे तब तक हम कोमल स्वर की तरफ या विकृत स्वर की तरफ नहीं जा सकते, हमें दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम खड़े खड़े स्वरों को लगाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बेसिक कुछ अलंकार बताए थे, 5 अलंकार। आज मैं उसके आगे के अलंकारों को आपको बताऊंगा। अलंकार 6 से हम लोग शुरुआत करेंगे। ये सब आपको लिखित में मिलने वाले हैं सारे अलंकार, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट भी कर सकते हैं। यदि आप लोग नए हैं और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ आपको संगीत से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त होने वाली है और निःशुल्क आप संगीत सीख सकते हैं। तो आइए आज के लेसन को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 5 अलंकार की हमने प्रैक्टिस की है इससे पहले वाले लेसन में। आज हम अलंकार 6 से शुरुआत करेंगे। थोड़े से एडवांस लेवल के अलंकार हैं। ताल वही है, 3 ताल और टेम्पो 100। तो मैं एक गुण में भी बता रहा हूँ क्योंकि खड़े खड़े स्वरों को हमें सीखना है। और देखिए, मेरी एक एक चीज़ को आपको फॉलो करना है। मैं हारमोनियम पे भी आपको फिंगरिंग बताऊंगा कैसे आपको चलानी है और आवाज़ आपकी कैसे मैच होना चाहिए हारमोनियम पे, ये विशेष विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। आपकी आवाज़, आपका स्वर बिल्कुल मैच होना चाहिए हारमोनियम के साथ, क्योंकि शुरुआत में इनिशियल स्टेज पर आपको स्वरों की समझ नहीं होगी, इसलिए मैं हारमोनियम के साथ आपको गा के बता रहा हूँ। तो साथ में तानपुरा ऑन रख सकते हैं या फिर बिना हारमोनियम के तानपुरे के साथ भी कर सकते हो, यदि आपको स्वर की समझ है। अगर नहीं है तो फिर हारमोनियम के साथ आपको करना है। आइए देखते हैं। तो पहले मैं गाऊंगा, आप लोग सुनेंगे अच्छे से। मैं एक बार गाऊंगा, उसके बाद मैं प्ले करूंगा, तब आपको गाना है, मतलब मैं आपको स्पेस दूंगा गाने के लिए। आइए शुरू करते हैं। ये 3 ताल यहाँ पर प्ले हो रही है, 100 टेम्पो है, तो पहली मात्रा से आपको शुरू करना है। आइए देखते हैं अलंकार नंबर 6। पहले सबसे पहले फर्स्ट अलंकार देखेंगे हम। तिन तिन ता तिट धिन धिन धा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो पहले सा लगा लेंगे अच्छे से। Thank you.
सानी सानी धा
रे सा। के लिए इसमें 5 अलंकार आप लोग को बताए मैंने, 6 to 10, तो 10 अलंकार हम लोग देख चुके हैं, तो इनको भी शामिल करिए अपने रियाज में, अपनी साधना में। और जिस तरीके से मैंने एक एक बीट्स के साथ किया है, आपको भी बीट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। अभी 100 टेम्पो लिया है मैंने, जो बहुत कम है, लेकिन गले में स्वरों को बिठाने के लिए, गले में स्थिरता लाने के लिए, ताल की एक एक बीट को समझने के लिए, उसके इफेक्ट को समझने के लिए, मात्रा को समझने के लिए, और हारमोनियम पे आपकी फिंगर को सेट करने के लिए, इतने कम टेम्पो पे ही आपको अभ्यास करना है। अगले वीडियो में इसके आगे के अलंकार हम लोग देखेंगे जो थोड़े एडवांस लेवल के हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर शामिल करेंगे अपनी गायकी में, अपनी साधना में इन सभी अलंकारों को। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलता हूँ। यदि आप लोगों को मेरा अंदाज पसंद आ रहा है, आप लोग संगीत सीख पा रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी रूप से, तो आप इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के माध्यम से डोनेशन भेज सकते हैं या फिर चैनल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे चैनल पर ज्वाइन बटन का ऑप्शन आ रहा है और सुपर थैंक्स का ऑप्शन आ रहा है, आप उसके माध्यम से भी डोनेशन भेज सकते हैं। अगले वीडियो में नए अंदाज में नई जानकारी के साथ फिर से आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय श्री गुरुदेव।